माहौल खराब ना कीजिए, बैठ जाइए। देखिए वो अब्दुल वसी साहब ने एक ऐलान किया था हजरत ने, वो कुछ लोगों ने उन्हें कोई परेशानी हो गई थी किसी तरह की, तो दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाती है इंसान के, तो उन्होंने बयान कर दिया था कि मैं जो है ना वो अब नाज शरीफ की महफिल अटेंड नहीं करूँगा। तो सैयद साहब को ये जो है वो थोड़ा सा सादा दिल के इंसान है, तो अल्लाह उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे। अभी हज़रत ने, गुलजार मिल्लत ने उन्हें फ़ोन किया और बुलाया, तो हज़रत के हुक्म पर वो अपनी बात को ख़त्म करके आ रहे हैं। मगर ये ख़ास बात है, मैं एक बात ये अर्ज़ करता हूँ कि मुखालफत से शख्सियतें सवरा करती हैं। बेशक बेशक, शेख सादी कहते हैं जिसका कोई मुखालिफ नहीं उसे तो मर जाना चाहिए। मौला अली फरमाते हैं कि जिसके मुखालिफ पैदा नहीं हुए वो काम कर रहा है तो सोचे उसका काम ठीक से नहीं हो रहा है, अगर ठीक से होता तो मुखालिफ जरूर पैदा हो गए होते। तो सैयद साहब को अल्लाह हिम्मत दे, हौसला दे, वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। अब तो फैज शमसी साहब नात पढ़ रहे हैं और आ गए हैं। अच्छा, मैं तो वैसे बेंगलोर में आता हूँ तो वो एक ही घंटा दिया जाता है, आज तो मैं तकरीर करते करते थक गया, तो फिर भी जो है ना वो हजरत अभी तक सुभान अल्लाह।